प्रो भाई बर्राता श्री भाईजान, स्वागत है तुम्हारा पोकेमॉन एंड बॉन्ड के एक और नए एपिसोड में। सो गाइस, लास्ट एपिसोड हमने छोटा बनाया था एंड मुझे पता है तुमको जानने की बहुत उत्सुकता है कि हमने छोटा क्यों बनाया था। नहीं म्यूजिक ओके हाँ मैं समझ गया, मैं मजाक कर रहा था। कैसा लगा मेरा मजाक? ओके गाइस चलो ठीक है। एंड लास्ट वीडियो में तुम में से किसी ने कमेंट किया था कि तुम जब लेआउट में इतना छोटा स्क्रीन डाल रहे हो एंड पोकेमॉन्स को ऐड नहीं कर रहे हो तो क्यों ना तुम स्क्रीन को बड़ा कर दो। ऑफ कोर्स मैं उसका नाम भूल गया क्योंकि मैं भुलक्कर हूँ, तो मुझे माफ कर देना भाई या फिर उसकी बहन जो भी हो वहाँ पे। वेल, तुम लोग को कमेंट करके बताना है कि ये वाला जो लेआउट है ये तुमको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, कि हमको चेंज करना चाहिए, या फिर जो भी तुम्हारे मन में है नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दो। एंड या स्टार्ट करते हैं वीडियो को हम लोग। सो गाइस, पहले देख लिया जाए कि हम लोग को आगे जाना कहाँ है क्योंकि मुझे वही नहीं पता। तो हमारा टाउन मैप सामने में है। ओके भैया, तो यहाँ पे हम हैं एंड हमको जाना है थंडर कैप एम्प्टी। ओ भाई, मतलब सीधा रास्ता है। चलो ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है हमको जाने के लिए। अपनी गड्डी निकाल लेते हैं आराम से एंड पीसफुली चलते हैं हम लोग वहीं पे। आई थिंक यहाँ से रास्ता था या दूसरे साइड, नहीं यहीं से रास्ता है। तो चलो चलते हैं धीमे। ओ भाई, ये पत्थर कहाँ से आ गए? वेल, आई थिंक सो कि हमको सीधा जाना चाहिए क्योंकि थंडर कैप एम्प्टी तो स्ट्रेट ही था। यहाँ स्ट्रेट ही था एंड वैसे भी हमारे पास स्ट्रेंथ है नहीं, डायरेक्टली पहुँच गए यहाँ पे। ओके चलो ठीक है, वैसे भी हमारे पोकेमॉन्स एंड सब चीज़ तो हील है तो यहाँ पे एक्सप्लोर करना चालू करते हैं एंड लेट सी। ओ भाई साहब, नहीं पहले हम मोहतरमा से बात करेंगे। अरे हाँ यार, समझे मैं स्टार हूँ लेकिन इतना बड़ा स्टार नहीं हूँ, इतना मत धरफराओ तुम। ओके पहले इससे बात कर लिया जाए। तुम्हें पता है पोकेमॉन लिकीटंग, वो बड़ा एडोरेबल पिंक कलर का ब्लू, मैं हमेशा से उसको चाहती हूँ लेकिन उसको पकड़ नहीं पाती। ओ भाई नहीं है, मेरे पास नहीं है यार, मैं क्या कर सकता हूँ। सॉरी मैडम जी, कहीं मिला तो यार ट्रेड कर लेंगे आपसे। अब तुम बताओ, इतना मत धरफराओ यार। एक दिन मैं भी निंजा बनूंगा, मेरे पेरेंट्स भले ही मुझे जोर से मारेंगे लेकिन मैं भी जिद्दी बना रहूंगा। मैं सैंड के छेदों में छिप के ट्रेनर्स को डराने जा रहा हूँ। ठीक है जाओ, इसका खून ज्यादा कुछ गर्म है भाई। एंड भैया तुम ही बताओ। पत्थरों को हटाओ प्योर पावर से, टेक दिस। ओह, हमें मिल गया स्ट्रेंथ। मैं सीरियसली इतनी जल्दी? हम अपना फर्स्ट करी एक्सप्लोर कर रहे थे एंड मिल भी गया हमको। भाई साहब क्या लक है। ओके चलो आगे चला जाए। वेल लेट्स सी कि अदर घर्स में हमको क्या मिलता है, मतलब अदर हाउसेस में क्या मिलता है। वैसे भी तो लगता है कीड़ा चूड़ा घर है यहाँ पे। ओके दादी माँ बताओ। मैं यहाँ रोज जाती हूँ और रोज प्रे करती हूँ जैप्टोस से। जैप्टोस ने मुझे एक बार बचाया और मैं उसका धन्यवाद कभी नहीं कर पाऊंगी। हाँ वो तो बात सही है लेकिन जैप्टोस को भी खुद मदद की जरूरत है। ओके देयर इज अ पोकेबल, क्या है इसके अंदर? पैरालाइज ही नहीं, फुल हील। ओके चलो ठीक है, यहाँ पे दो घर हैं, पहले इसी में चला जाई एंड लेट्स सी। ओ भाई बोलो बूढ़े अंकल जी। बोरिस का आखिरी गार्डियन एरसोल हम ओल्ड्स कपल को कुछ टास्क दिया करने के लिए, रेयर और पावरफुल ऑब्जेक्ट की गार्डिंग करना। हम उन सब कपल्स में से एक हैं, अनदर एक और कपल रूट 9 में रहते हैं। ओहो ऐसी बात है, ये पोकेबल क्या हम उठा सकते हैं? ओ भाई मास्टर बॉल, भाई साहब ये क्या था? Put that back. ओ भाई साहब, चलो दादी माँ पहले तुम बताओ क्या हुआ हमारे साथ यार। ऑफ कोर्स मुझे पता नहीं चला। क्या तुम टेबल में रखे उस आइटम को देख रहे हो? वो चीज मुझे प्राइस में मिली थी, वो मास्टर बॉल। वो एक रेयर पोकेबॉल है जो पोकेमॉन को बिना फेल के साथ पकड़ सकता है। वो आदमी जिसने मुझे ये दिया वो एरोस है, उसने बोला उसकी जीवन पूरी इस पे डिपेंड करती है। जब तक कोई ऐसा आदमी जिसके पास पर्पल पोकेमॉन हुप्पा हो, एरोस ने कहा था जो हुप्पा को कंट्रोल कर लेगा वही बोरिस का गार्जियन होगा और इस बॉल का हकदार होगा। तुम बोरिस के गार्जियन हो या फिर बस बातें करते हो? ऑफकोर्स नॉट यार भाई साहब, मतलब मैंने उस पोकेबॉल को उठाया, उसमें मास्टर बॉल था भाई। छोड़ो, जब हम हुपा को पकड़ लेंगे तब ऑफकोर्स हम ये मास्टर बॉल ले जाएंगे।
भाई साहब यार चोर बना दिया हमको, मतलब किस एंगल से दिखते हैं चोर? दिखते भी होंगे क्या बात है। ओके आगे चला जाए, वैसे भी ये जो हेयर कट है ये तो चोर जैसा लग रहा है। आगे चला जाए, यहाँ पे एक फिशरमैन है। ओ हाँ, मुझको क्या लगता है ये रॉड के बारे में तो कहीं नहीं बोलेगा। लेट्स सी आई थिंक वही बोलेगा। यस यस आई लव फिशिंग भाई, मुझे फिशिंग बहुत अच्छा है, अपनी जान से भी प्यारा है, रॉड के लिए कुछ भी। ओके वैसे एक रॉड से हमारा काम बन जाता, क्या यहाँ पे हम फिशिंग कर सकते हैं? अल वो सब बाद में देखा जाए, पहले यहाँ पे घर एक्सप्लोर करते हैं। आओ दीदी जी बताओ क्या हाल है आपका? स्टेयर्स के नीचे जो होल है वहाँ से तुम थंडर कैप एम्प्टी तक जा सकते हो, ये बहुत खतरनाक है, तो ये ध्यान रखना कि तुम्हारे पास बहुत सारे रिवाइव्स और पैरालाइज हील हो। ओ भाई साहब यह दैट इज डेंजरस, तो हम जाने से पहले ख्याल रखेंगे इसका। ओ मैन यहाँ पे रॉक क्लाइंबर क्या कर रहा है? थंडर कैप एम्प्टी बहुत खतरनाक प्लेस है, मैंने उसको एक्सप्लोर करने की बहुत कोशिश की लेकिन बॉय मैं नहीं कर पाया। उसके बाद से मेरी प्यारी पत्नी सबको मैक्स रिपेल देती है जो भी ट्रेवलर उससे बात करता है। ओ भाई सीरियली? हमको भी चाहिए यार मैडम जी। ओ भाई 3 मैक्स रिपेल, चलो बढ़िया है। पर फ्री आइटम से हम छोड़ते नहीं क्योंकि फ्री आइटम बेस्ट होते हैं। ओ भाई साहब लेट्स सी, उसने बोला भाई स्टेयर्स के नीचे ये शैडोज तो है। वेट अ मिनट, मैं एक बार गेम सेव कर लूं। ओके वेल, अगर ये रोहन नहीं है, मार्लॉन ने मुझे बोला है कि उसको थंडर कैप एम्प्टी तक नहीं आने देना, नहीं तो वो हमारे प्लान में खलल पैदा करेगा। इवन अगर मैंने तुम्हें वहाँ जाने दिया तो तुम रोस्ट हो जाओगे बिना मेगा एवोल्यूशन के पावर के। ओ भाई साहब पावर ऑफ मेगा एवोल्यूशन, तो हमको कुछ और ढूंढना होगा सिटी में या फिर कोई और सिटी होगा। वैसे कहाँ और सिटी है? वेट अ मिनट मैं चेक करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे एक बोल्डर से हमको दिख रहे थे ना, तो हम अगर उस बोल्डर से जाएं तो थंडर कैप एम्प्टी इधर भी दिखा रहा है। भाई हम थंडर कैप एम्प्टी में नहीं है ही तो। एंड ओके इधर साइड भी है कुछ और, एंड दूसरा टाउन है। ओके वैसे भी हमारे पास स्ट्रेंथ है तो हम उस टाउन में जा तो सकते हैं। वेल एक बार पहले यहाँ पे और थोड़ा एक्सप्लोर कर लिया जाए, यहाँ पे कुछ छूट ना जाए हमसे। बताओ अंकल जी आप भी यहाँ अकेले बैठे हुए हो? मुझे हर रोज यहाँ आना और बेंच पे बैठना बहुत अच्छा लगता है, ये हमेशा मेरे दिन का सबसे अच्छा पार्ट होता है। क्यों ना तुम भी एक ब्रेक ले लो और इस बेंच पे बैठो, मुझे लगता है तुम्हें बहुत आराम मिलेगा। इसमें कुछ मैजिकल भी है बेंच पे बैठने का। समथिंग मैजिकल? वेल एक बार बैठ के देखते हैं। ओके हम बैठ गए, आराम फरमा रहे हैं यहाँ पे। ओह ये क्या है? क्या भाई? ये है बर्न हील। ओ मैन यही था मैजिक, बैठ के हमने यहाँ पे आराम फरमा लिया, हमको कोई सामान मिला। चलो ठीक है यहाँ भी कुछ आई थिंक नहीं किया, इसको नहीं किया हमने। वेट इसको भी कर लेते हैं, एक अंकल जी है यहाँ पे। ओ मूव डिलीट। ओ भाई नहीं हमको अभी नहीं करवाना क्योंकि HM तो हमने सिखाया नहीं किसी को, एंड आई डिडंट थिंक कि किसी को सिखाना है या फिर अभी डिलीट करवाना है मूव। लेट्स सी यहाँ भी है। ओ मैडम जी बताओ, बस इतना नखरा मत दिखाओ यार। इपीडीमी टाउन इपीडीमी है ब्लिस का। ओहो ओहो क्या तुम्हें ये फनी नहीं लगा? सॉरी अब मुझे बुरा लग रहा है, तुम्हें पता है क्या, ये ले लो ये मुझे बेटर फील कराएगा। ओ 3 अल्ट्रा बॉल्स, नाइस मैम, चलो अच्छा है। वेल ठीक है, अरे भाई नहीं मुझको और बात नहीं करनी। ओके ऊपर चला जाए, ऊपर यहाँ भी कोई रास्ता है लेकिन कुछ नहीं है, वहाँ पे एक बच्ची दिख रही है मुझको। ओ भाई ये तो एक्सप्रेस वे है ना। वेल उससे पहले ये पोकीबल भी देखते हैं क्या है। ओ भाई पोकीमन, पत्थर में से जियोडूड निकला भाई, हमने जियोडूड को ही तोड़ दिया, नहीं है वो नहीं पकड़ना। ओके पहले इस पोकीबल में ओके डार हिट, चलो ठीक है ये भी अच्छा है, क्रिटिकल हिट रेशियो बढ़ा देता है किसी पोकीमन का। ओके यहाँ पे बच्ची है एक छोटी सी। मैं थंडर कैप एम्प्टी को एक्सप्लोर करना चाहती थी लेकिन मम्मी ने कहा वो बहुत खतरनाक है। बस बच्ची अभी तुम्हारी उम्र नहीं हुई है ये सब काम करने की, ये सब काम हम पे छोड़ दो। एक लास्ट घर है यहाँ पे, लेट्स सी, एंड दिस इज रॉकी हेलमेट। चलो ठीक है ये भी काम आ जाएगा या फिर नहीं भी आएगा तो क्या फर्क पड़ता है। वेल यहाँ तो और कुछ नहीं लगता मुझको, दैट इज ओह मिल गया भाई कुछ, चलो अच्छा है। मैं तो बस इसी तरह ऐसे घूम रहा था भाई, वहाँ पे योगर्ट मिल गया हमको। वेल यहाँ पे एक्सप्रेस वे है तो एक बार चल के देखा जाए, नहीं क्या ही करेंगे यहाँ से जाके, पहले हम लोग वहाँ चेक कर लेते यार, वहाँ पे बोल्डर्स थे ना।
वेल लेट्स सी के पहले तो इस पत्थर को हटाया जाए या इसको कैसे हटाई। चलो हट जा पत्थर। ओके तो भैया यहाँ पहुँच चुके हम लोग थंडर कैप एमटी पे एंड लेट्स सी भाई एक बार रिपल यूज कर लिया जाए। नहीं पहले देख लेते कौन कौन से पोकेमॉन्स यहाँ मिलते हैं। वेल वहाँ से कोई रास्ता अरे नहीं है कुछ पत्थर में भी नहीं है। ओके कोई बात नहीं यहाँ पे हमको मिल रहा है क्वैक्सार। ओके भाई मैं पोकेमॉन्स के नाम भूल जाता हूँ क्योंकि मैंने एनिमी उतनी देखी है नहीं एंड इसलिए मुझको नाम उतना ध्यान में नहीं रहता। वेल ओनिक्स चलो अच्छा है। वेल देखा जाए और वहाँ पे पोकेबॉल है तो यहाँ से तो हम कुछ नहीं कर सकते यार। हमारे पास वो वाला टीएम नहीं ना है नीचे उतरने के लिए। नहीं तो हम जा सकते थे। वेल पहले इधर चला जाए एंड यहाँ पे क्या है। वेल इस वाले पत्थर में कुछ है। ओ भाई येलो साइड। भाई तुम लोग ने बोला था कि पत्थर में बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं मतलब हम पहले आइटम्स बहुत सारे छोड़ देते थे। वेल ठीक है ये लगता है मुझको ट्रेनर है। भैया ट्रेनर हो क्या? चलो जो भी हम उसको एस्केप कर देते हैं लगता तो वो ट्रेनर जैसा ही है। वेल दिस इज एग्जीक्यूट ही ना नाम था उसका जो भी है। वेल नेक्स्ट पोकेमॉन एब्सोल। ओके तुमको अगर मालूम नहीं है तो एब्सोल मुझको बहुत पसंद है एंड मैं सोच रहा हूँ वाई नॉट इसको कैच कर लिया जाए। वेल मेरे पास पोकेबॉल तो होनी चाहिए भाई साहब। पोकेबॉल या एंड क्विक बॉल करते हैं क्योंकि अभी तक तो नहीं क्विक बॉल में नहीं आएगा पता चल गया। वो हम एल क्लिक करके डायरेक्टली फेंक सकते थे। ओके पोकेबॉल चलो बहुत अच्छा सिस्टम है यार मुझको नहीं पता था। ओ भाई साहब यार आ तो जा प्लीज। नहीं यार अब सॉल्व क्या दिक्कत है तुमको आ जाओ ना। यस ये हुई ना बात। ओके एब सॉल्व का नाम कुछ रखा जाए कि नहीं क्या रखा जाए तुम ही लोग बताओ या फिर हम लोग नेम चेंज करवा सकते हैं कहीं पे क्या। वेल जो भी है इसका नाम अभी नहीं रखते अगर टीम में हम रखेंगे तो हम इसका नेम कुछ रख देंगे नहीं तो या एंड तुम लोग सजेस्ट करना कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करना तुम लोग। यहाँ पे छटका हो गया फुल हील्ड एंड नहीं रिपल अभी नहीं यूज़ करना क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पोकेमॉन्स मिल रहे हैं भाई। देखते हैं कि कौन कौन से अदर पोकेमॉन्स मिलते हैं हमको। थंडर कैप एमटी ओ भाई ये भी थंडर कैप भाई जाइग्रेट सिल ओ माय गॉड। ओके ये भाई अलोलियन जियो डूड। ओके जाइग्रेट सिल 10% हमारे पास हो गया है तो हम वहाँ पे जा सकते हैं फर्स्ट टाउन में। वेल मुझको एक और जगह पता था जहाँ पे हमने छोड़ दिया था एक जाइग्रेट का सेल। वेल जो भी है भाई साहब मुझे लगता है बहुत जगह छोड़ भी देते होंगे। वैसे तुम बता देना अगर मैं कहीं छोड़ दूँ पीछे में तो तुम मुझको कमेंट करके बता सकते हो कि कहाँ पे भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ। ओके चलो ठीक है ऊपर चला जाए बाइक के साथ ऊपर। ओ भाई सीढ़ी में बाइक को कैसे चढ़ाते होंगे यार मतलब ये तो उड़न वाला लेडर है या उस पर कैसे चढ़ाते होंगे क्या पता। ओ मैन ओके ऊपर चला जाए भाई साहब। ट्रेनर्स को हम स्कीप करते हैं मतलब टैलेंट देख रहे हो मेरी कैसे हम स्कीप करते हैं अभी तक एक भी बैटल नहीं हुआ मतलब कितना शुभ मैं अभी मैंने बोला कि एक भी बैटल हमने नहीं किया बस अभी बैटल हो गया। वाह 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 मतलब कितना अशुभ कोई बंदा हो सकता है तुम ही बताओ कितना अशुभ भाई साहब। ओके भाई ओ मैंने वोल्ट स्विच ना अभी किया था नहीं तो पोकेमॉन चेंज नहीं होते। चलो ठीक है हम लोग पहले स्वॉर्ड डांस कर लेते हैं। यस कछुआ को नचवा लेते हैं देन ही कुछ करेंगे। चलो ठीक है वैसे स्वॉर्ड डांस ये लेवल अप होते समय सीख गया था अभी मैंने थोड़ा सा ट्रेनिंग दिया था इसको तो उसी में इसने स्वॉर्ड डांस सीखा है। भाई बहुत गर्दा अटैक है तुम चाहो तो सिखा सकते हो यस अपने पोकेमॉन को। भाई हम पहुँच चुके हैं टाउन में। ओके चलो टाउन का एक्सप्लोर किया जाए एक्सप्लोर नहीं भाई एक्सप्लोर किया जाए। लेट्स सी कि टाउन में क्या क्या है। देयर इज अ पोकेबॉल तुमको अगर नहीं नजर आया तो मुझे मैंने अपने चील वाले आंखों से देख लिया इतर है भाई कुछ नहीं है काम का। ओके दादी माँ यहाँ बहुत फुदक रही है बताओ दादी माँ क्या दिक्कत है आपको। इवन सिंस पुराने टाइम में मिथिकल पोकेमॉन ने इस टाउन को श्रापित कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि जब हर रात 1 बजते हैं तब वो सबके सपनों में आके उसको डराते हैं। अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो तुम पुअर आत्माओं को देख सकते हो जिसको डार्क राइन ने शराप दिया था। अपना ध्यान रखना बच्चे डार्क वॉइड में मत गिरना। एक्चुअली मैन मैं चाहता हूँ मतलब मैं रियली चाहता हूँ कि डार्क राइन मुझसे आके मिले। मैं रात को पता नहीं गेम खोल भाई मैंने अभी बस इसी तरह इसमें क्लिक किया था फिर हमको पोकेबॉल मिल गया।
भाई आज मतलब लक अच्छा ही खराब है, मैं खुद नहीं बता सकता, छोड़ो। वैसे मैं बोल रहा था रात में हम आके देखेंगे कि क्या हम डार्क राई से भिड़ पाते कि नहीं, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ यार, मैं जानना नहीं, मैं डार्क राई को पकड़ना चाहता हूँ, ऑफकोर्स बिकॉज वो मेरा फेवरेट पोकेमॉन है। ओके यहाँ पे किस घर में चला जाई? ओके टू रेड शार्ट्स, तो रेड शार्ट से हम शायद से फायर पंच सिखा सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है ब्लू शार्ट से हम आइस पंच एंड ग्रीन शार्ट से कुछ और सिखा सकते थे, पर लेट्स सी रेड या येलो से सिखा सकते हैं, आई डिडंट रिमेम्बर। वो बहुत गर्म हाथ है जो तुम्हें अभी मिला विला, तुम अपने फायर पावर से सबको जलाना चाहते हो। फायर पंच, एक मिनट पहले मैं चेक करता हूँ कोई सीख सकता है, नहीं सीख सकता यार, बैड लक सो सॉरी। मैं चाहता तो सिखा सकता था लेकिन कोई सीखना ही नहीं चाहता, हमारे टीम में वो जज्बा ही नहीं है यार। कोई बात नहीं, लेट्स सी, यहाँ पे दो और बंदे हैं। वहाँ पे एक लॉक किया हुआ घर है टार्मिंगन मेंशन के बगल में बहुत समय से, आई थिंक वो छोटा सा इन है विजिटर्स के लिए जो इस टाउन में आते हैं, लेकिन वो बंद हो गया जब वहाँ पे गेस्ट आके सफर करने लगे हॉरिडियस नाइटमेयर से। हॉरिडियस डरावना, भाई साहब पता नहीं हम उस मैंसन में जाएंगे, कहीं हमको वो डार्क राई मिल गया तब तो भाई मजा ही आ जाएगा, बल्ले बल्ले हमारी। अल मोटू अंकल तुम बताओ। ओ पोकी मनायक, नहीं मेरे पास है ही नहीं, तुम क्या कर सकते हैं भाई। ओके चला जाए यहाँ से एंड देखते हैं वो मैंसन कहाँ पे है जिसके बारे में वो लोग बोल रहे थे। ओ भैया तुम बताओ। मैं यहाँ पे फैक्ट्री में काम करता हूँ जिसको कहते हैं ड्रीम रिसर्च लैब, हम एक्चुअली वही चीज करते हैं जैसा तुमको सुनने में लग रहा है, ड्रीम रिसर्च। मेरा काम है कि हार्वेस्ट करना एक स्पेशल टाइप का मिस जो कि पोकेमॉन मुसहान से बना हो, अनफॉर्चुनेटली ये उतना अच्छा नहीं जा रहा है। बहुत कोशिश करने के बाद मेरे पास बस एक ही कैप्सूल आया मिस्ट का, सिंस एक सिंगल कैप्सूल यूजलेस है तुम उसे ले सकते हो। ओके चलो ठीक है, ड्रीम मिस्ट एंड सिंगल सी कैप्सूल है इसलिए इसका कुछ नहीं कर सकता। ओके हिडन एबिलिटीज, चलो ठीक है भैया हम कभी कोशिश करेंगे, फिर तुम लोग कमेंट में बताना कि क्या अच्छा रहेगा इस कैप्सूल का या फिर जो भी आइटम मिला, ड्रीम रिसर्च लैब, चलो इसको बाद में एक्सप्लोर करेंगे, पर आगे देखा जाए क्योंकि मुझे जल्दी है उस मैंसन की, क्योंकि भाई वीडियो ही भरा हो रहा है, तो आई थिंक हम उसको मैंसन को आज एक्सप्लोर कर ही लेंगे। मुझे यार उम्मीद है कि डार्क राई वहाँ मिले ना मिले, भाई ये क्या है भाई, ये तो इतना मतलब डोर ही बंद है यहाँ का, कुछ और है ही नहीं। ओके यही है वो मैंसन ना, चलो मैडम जी तुम ही बताओ। नहीं ये तो पोकेमॉन हील करने वाली है यार। ओके भैया यहाँ पे अपस्टेयर्स है, देखते हैं कि क्या है यहाँ पे, ये लड़ने वाला तो नहीं लगता मुझको, या फिर वही है यार, नहीं मुझे लग ही रहा था यार लड़ने वाला हो सकता है, चलो कोई बात नहीं हराओ तो सही। चलो गया, और कोई पोकेमॉन भैया? चलो एक और पोकेमॉन है किंगिस्थान, सॉरी कडावरा। ओके चलो ठीक है परस्यूड एक बार में गया एंड इसका काम तो मम है एंड मैं कोशिश करूंगा यार यहाँ पे बैटल्स एस्केप कर दें हम लोग, क्योंकि बकवास लगेगा बैटल्स को करने में। ओके भैया क्योंकि मुझको पता है यहाँ पे ज़्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स होने वाले नहीं हैं जिसमें लड़ने में मज़ा आएगा, तो या अरे यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि पोकेमॉन्स नहीं मिल रहे। ओ व्हाट, एक फूट रहा है भाई साहब। ओ भाई डोगी पी, जैसा कि हम लोग उम्मीद कर रहे थे इसमें एक फेरी टाइप पोकेमॉन निकलेगा एंड वही निकला यार डोगी पी, तो यस ऑफ कोर्स हर बार की तरह इसका नाम हम रखेंगे क्यूटी। वेल चलो ठीक है क्यूटी, एंड क्यूटी हमारी टीम में है, वेल मैं उसको रखने वाला नहीं हूँ पहले ही बता देता हूँ मैं, फिर भी कोई पोकेमॉन नहीं मिला तो यार रखेंगे, नहीं यार एब्सोल भी तो हमारे पास है। ओ ज़ाइग्रेट सेल, वेल चलो ठीक है एंड लेट्स सी कि हमको जाना कहाँ है फिलहाल, क्योंकि उधर मुझको एक अंकल दिख रहे हैं एंड उधर एक ज़ाइग्रेट सेल भी था। ओ भाई ये अंकल बैटल करने वाले तो नहीं है? नहीं बैटल, सब बैटल ही करने वाले हैं यहाँ पे ऑफकोर्स। ठीक है ग्राउल को हटा देते हैं। 5, ओ भाई और लेवल अप, 7, 8 भाई इतना तुरंत में, सीक्रेट आर्ट ऑफ मेगा एवोल्यूशन, तो यहाँ जाना हमारा बेकार नहीं रहेगा। पहले तो हम लोग पोकेमॉन हील करा लेते हैं। ओके तो पहले यहाँ पे पोकेबॉल्स भाई बहुत सारे हैं, उम्मीद करता हूँ ये जो चेयर पे बैठे हुए हैं ट्रेनर्स ना हो। ठीक है चला जाइए, मुझको नहीं लगता यहाँ पे कुछ खास हमको मिलने वाला ही, तो ऊपर चला जाइए। ओके
यहाँ पे एक फाइटर है भैया। चलो अब ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने सबको साफ कर दिया है, ऑफकोर्स तीन ही ट्वेंट थे, तो चलो ठीक है इसके ऊपर चल के देखते हैं कि हमको क्या करना है। अब ओ भाई यहाँ पे चेंसी है, क्या हम टॉप पे हैं? वैसे ये भैया को क्या दिक्कत है? ओके ओ भाई ये भी बैटल, यार कितने बैटल्स करने वाले आदमी सब है यहाँ पे। तो चलो पहले इसको हराया जाए भाई, इसकी भी मन को संतुष्टि दे देते हैं। हम लोग कर लेते हैं थंडर फैंग, भाई कन्फ्यूजन नहीं या झटका कुछ तो सहले आज, मतलब आज झटका ना हमेशा खुद को ही अटैक कर रहा है, दूसरे पे अटैक कर ही नहीं रहा भाई। ओके पहले कछुआ तुम ही आ जाओ यार, मुझको तुम पे ज़्यादा भरोसा रहता है। चलो ठीक है, एंड झटका को मैंने आगे सिर्फ लेवल अप करने के लिए रखा था, फिर भी झटका नहीं कर पा रहा यार। ओके कोई बात नहीं, झटका 48 लेवल पे पहुंच चुका है, क्यूटी 21, क्यूटी बीच में बहुत फ़ायदा उठा रही है लड़की, बदमाश शैतान। ओके इसका तो कुछ मतलब कुछ पावर ही नहीं है इसका, इसको हटा दिया जाए फिलहाल। गर्डीवर है नेक्स्ट पोकेमॉन, तो हम लोग चेंज करके ले आते हैं सुन नहीं ठंडी को, वैसे ठंडी का नाम हमको सुंदर ही रखना चाहिए था यार। चलो ठीक है हिक्स कर लेते हैं, दैट इज़ सुपर इफेक्टिव, एक और मूव लगेगा हिक्स का। चलो ठीक है, वैसे मेरा लेवल ज़्यादा तो नहीं है, मैंने सोचा 48 लेवल का सब तो वहाँ पे रहेंगे ही, इसलिए मैंने कर लिया, लेकिन यहाँ पे 41 के ही ट्रेनर्स दिख रहे हैं। अरे एक्स्ट्रा सेंसरी नहीं, एक्स्ट्रा सेंसरी, ये इसका प्रोनाउंसिएशन मुझसे होता नहीं है भाई, कितना मैं कोशिश करता हूँ। ओके चलो ठीक है, ओके 49 लेवल पे पहुँच गया हमारा ठंडी। आई क्यूटी कौन सा, मीटियो नॉन, आई थिंक हमको स्टोर पावर को हटा देना चाहिए। चलो ठीक है मीटियो नॉन एंड या ऑफकोर्स पहले चेंसी से हम लोग हील करवा लेते हैं। ओ भाई यहाँ टॉप है, फिर नीचे हम क्यों जा रहे हैं? मैन बताओ, मैंने तुमसे कहा चैलेंज का ये मिड पॉइंट है, अराउंड द मिड पॉइंट। भाई साहब मुझको ट्रेनिंग नहीं करनी, फिर भी ये लड़वाएंगे। ओके चलो हम जीत चुके हैं यहाँ से, एंड नीचे चला जाए। ऐसे तो भाई एक और यहाँ पे ट्रेनर नहीं हो, बस मैं उम्मीद कर सकता हूँ यार ये ट्रेनर ना हो, नहीं ये ट्रेनर रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, मतलब हमसे बैटल कर रहा है यार। चलो ठीक है इसको भी जल्दी से हराते हैं। ये तो गया कछुआ 50 लेवल पे पहुंच गया यार, कछुआ तो लाए हुए है ऑफकोर्स। यहाँ पे वैसे एक पोकेबल है, इसमें क्या है, जिंक। भाई उतनी दूर से हम बस ये जिंक लेने गए थे, और या क्या ये मशीन, कलरफुल मशीन। ओ भाई एंड ये स्टैचू, वेट व्हाट, क्या ये सीक्रेट स्विच भाई। ओ माय गॉड यार, मतलब मैं तो बस इसी तरह क्लिक कर रहा था, ये तो एक कुछ स्विच ही निकला अलग से। यस भाई किसको क्या पता कि कहाँ क्या हुआ। ओ मैन मतलब हुआ क्या यहाँ पे, आई डोंट नो। वैसे तो यहाँ से चलते हैं जहाँ से हम आए थे, वहीं पे चलते हैं। चेंसी एक बार मेरे पोकेमॉन्स को हील कर दो, थैंक यू वेरी मच, एंड चला जाए। चलो ठीक है ठीक। ओ भाई ये वाला दरवाज़ा खुला भाई साहब, मतलब कितना कंफ्यूजिंग था, मैं तो आगे जाके देखा भी नहीं कि यहाँ पे दरवाज़ा भी था। ओके चलो ठीक है, आई थिंक ये डबल बैटल करेंगे, तो या कर लेते पहले एंड जल्दी से इसको हरा भी लेते हैं यार, दो दो पोकेमॉन्स है इसके पास, तो या क्रंच कर लेते हम लोग बंटी पे, बंटी पे वेल दोनों पे ये जब हो ही रहा है तो क्यों ना कर ले, दोनों का डैमेज पड़ेगा। ओ भाई साहब इसके पास फायर टाइप मूव्स थे, चलो कोई बात नहीं, नाइंटल सब ठंडी हमारा ठंडी है यार, समझा करो। ओके वोल्ट स्विच हम लोग करें कि थंडर फैंग करें, हम लोग वोल्ट स्विच ही करते हैं इस पे, एंड यहाँ पे हम लोग चेंज कर लेते हैं कछुआ से। ओके मैन चलो ठीक है, नहीं तो बेचारा ठंडी ऐसे ही चला जाता। ओके हम फिर से ले आते हैं लोहा को ही ले आते हैं यार। ओके तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं साइकिक भाई, इस पे सुपर इफेक्टिव है रेजर सेल, चलो ठीक है। ओके चलो सीजल तो गया, दूसरा पोकेमॉन लेट्स सी, दैट इज भाई आफ्टर यू। भाई ये कौन सा मूव है भाई, ये कुछ अजीब टाइप से मूव नहीं सीख रहा, आफ्टर यू कौन सा टाइप का मूव हुआ। चलो ठीक है पहले उसको भी हराते भाई, इसके पास एक और पोकेमॉन है दैट इज ऑर्कर 9, तो आई डिडंट थिंक ज़्यादा टाइम लगेगा उसको हराने में। हम लोग कर लेते हैं साइकिक इस दूसरे वाले पोकेमॉन पे, एंड रेजर सेल कर लेते हैं ऑफकोर्स आर के 9 पे। चलो ठीक है भैया लेट्स सी ये गया। ओ भाई क्या सीखना चाहता है, डिस्चार्ज, तो हम लोग थंडर फैंग को हटा सकते ना, वैसे भी उसका 80 डैमेज, या थंडर फैंग को हटा दिया जाए। ओके चलो ठीक है, थोड़ा सा बचा है भाई साहब, थोड़ा सा बचा है। किस मूव का स्पीड ज़्यादा है, परस्यूड
एंड यहाँ से हम लोग कर लेते हैं रेजर सेल। चलो परस्यूट का ज़्यादा तो वेल, चलो ठीक है, यहाँ पे सब कुछ तो हो ही गया लगभग। ओ टोगीपी इवॉल्व हो रही है, मतलब टोगीपी का सर्च हर चीज़ आज ही हो रहा है। चलो ठीक है, टोगीटिक ये बन चुकी है, मतलब हर चीज़ यही कह रहा है कि टोगीपी को तुम रखो रखो। चलो कोई बात नहीं, स्वीट किस। ओके जब तक ये टीम में है, बाद में पता नहीं क्या होगा। पहले तो यार चांसेस हम लोग हील करवा लेते हैं, क्योंकि मुझको नहीं पता कि कौन से पोकेमॉन्स मिलने वाले हैं। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे हमको मेगा रिंग का कुछ आइटम्स मिलने वाला है, पता नहीं यार वो कहाँ से मिलेगा। ओके पहले तो ये पोकेबॉल ले लिया जाए, इसमें हाइपर पोशन आई साहब, आई थिंक ये वाला पोकेबॉल हम इधर से ही उठा सकते हैं। ओह या चलो ये पजल टाइप के मतलब जितना भी चीज़ रहता है उसमें थोड़ा सा मैं अच्छा हूँ या तो अच्छा बन चुका हूँ खेल खेल के। वेल यहाँ पे स्टैचू में कुछ है तो नहीं जादुई चीज़, पता नहीं आगे जाके पता चले। वेल लेट्स सी एक बार चेकआउट कर लेते। ओह यहाँ पे भी है, चलो ठीक है। चलो ये नहीं है, चलो ठीक है, अच्छा हमने सर्च कर लिया। वेल वहाँ पे एक पोकेबॉल है तो उसको उठाने के लिए हम लोग इधर से चलते हैं। एंड नीचे देयर इज अ पोकेबॉल हर्ट स्किल, पोकेमैनैक को अगर हम देंगे तो वो हमको एक मूव सिखा देगा, लेकिन नहीं अभी नहीं भाई। नीचे जाना है, इस ट्रेनर से लड़े या फिर शायद से वहाँ पे पोकेबॉल एक छोड़ दिए थे हमने। यस ऑफ कोर्स, तो इस पोकेबॉल में है रिवाइव, चलो अच्छा है भाई। एंड लेट्स सी अब यहाँ से हम लोग चलते हैं, क्योंकि यहाँ मुझको नहीं लगता कुछ काम बचा है, फिर बचा ही होगा जो भी है। दादाजी तो लड़ेंगे ये कन्फर्म ही है। चलो ठीक है, इनको भी हरा लिया जाए, इनके पास दो पोकेमॉन है। पहला तो वेनालाइन है, आइए ये देखो भाई ठंडी भी फेल हो गया। ओके कोई बात नहीं, अभी हमारा मेन पोकेमॉन बाकी है, डेट इज लोहा। आगे चेंसी है ना भाई, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मैं जल्दी में खेल रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है आगे चेंसी होगी, तो इसीलिए और कुछ तो रीज़न है नहीं। अरे चलो ठीक है, हलियाली 48 लेवल, क्यूटी 31 लेवल, नेक्स्ट इज लेके टंग। तो हम लोग कर लेते हैं हैमर आर्म, ऑफ कोर्स इस पर सुपर इफेक्टिव रहेगा, परफेक्टिव है फिर भी उतना कुछ नहीं हुआ इसको। चलो ठीक है, अब क्रिटिकल हिट में तो जाना ही है, ये तो पक्का था। 51 लेवल पे लोहा पहुंच गया, ओके मैन चलो अच्छी बात है। ओ भाई हम सीरियसली यहाँ से कूदेंगे, भाई कहाँ गिर गए हम। ओके ये शायद, ओ भाई ये कुछ डिफरेंट लग रही है, ऑफ कोर्स ये डिफरेंट लग रही है भाई। एक बार मैं पहले गेम सेव कर लूँ, ये कहीं कुछ खास बैटल करने वाली हुई या फिर कुछ और हुई, तब तो भाई हमको दिक्कत हो जाएगी। मेरे पोकेमॉन्स वैसे तो इसको बैटल नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है, नहीं करेगी ऑफ कोर्स, एंड करेगी भी तो हम फाइल सेव कर लेते हैं। ओके चलो ठीक है। हेलो डियर ट्रेनर, मेरा नाम है सक्सेसर मैक्सिमा, मेरे मेंशन में यहाँ तक पहुँचना बिल्कुल भी इजी नहीं है, यहाँ पे बहुत ऊंच नीचे, कभी कभी तो मैं खुद भी खो जाती हूँ, लेकिन अंत में मैं हमेशा यहीं पे आके बैठ जाती हूँ। तुमने बहुत मुश्किल से फाइट करके यहाँ तक पहुँचा होगा, ये बहुत प्रशंसनीय है। क्या मैं सही हूँ कि तुम यहाँ पे पावर ऑफ मेगा एवोल्यूशन लेने के लिए आए हो? मैं देख सकती हूँ। ओ भाई चलो देखते बैटल। नहीं यार मैं इसका उम्मीद नहीं कर रहा था भाई साहब, मतलब थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई यहाँ पे। अल हमारे पास भी 4 पोकेमॉन है, उसके पास भी 4 पोकेमॉन है, तो तगड़ा बैटल हो सकता है फिलहाल अगर हम जीत गए तो, क्योंकि उसके भी 49 लेवल के पोकेमॉन से भाई हाइपर पोशन नहीं यार, 1 एचपी पे जाके बच रहा है। ओके अब तो नहीं बच पाएगा, झटका का कुछ भी कम हो लेकिन स्पीड इसका ज़्यादा भैया। ओके अजूरल से ज़्यादा तो ज़्यादा नहीं है ऑफकोर्स, चलो ठीक है। डबल ए सीखना चाहता यार, सब कितने मूव सीखोगे आज। मीटियो नॉन को हटा दिया जाए या ऑफ कोर्स वेल देखते हैं नेक्स्ट पोकेमॉन इज ग्लेड। भाई साहब अब इसको कौन हराएगा, कोई फाइटिंग टाइप सॉरी फ्लाइंग टाइप तो हमारे पास है नहीं। आई थिंक हरियाली काफ़ी रहेगा क्या, एक बार लिस्ट सीट कर लेते हैं पहले। खतरनाक भाई इसके पास एरिया ले जाए फ्लाइंग टाइप मूव, अब हम क्या करें, चेंज करते हैं भाई, और कोई तो उम्मीद है नहीं। लोहा ही कुछ कर सकता भाई, इसने भी चेंज कर लिया। ओह माय गॉड यार, ओके आयरन हेड इस पे सुपर इफेक्टिव है तो ये जाएगा भाई, एक मूव में चला गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट पोकेमॉन ग्लेड है एक्चुअली, एक लोहा हमारा एक स्टील एंड साइकिक टाइप पोकेमॉन है, तो फाइटिंग का ज़्यादा असर नहीं होना चाहिए यार, नॉर्मल डैमेज ही देना चाहिए, तो हम लोग साइकिक कर लेते हैं। नहीं इतना कुछ डैमेज तो नहीं है, चलो ठीक है, कोई कम से कम इसको हराएगा तो सही। एक बार मैं सुपर पोशन नहीं हाइपर पोशन ही यूज़ कर लेते हैं, वैसे भी पैसे अपने पास बहुत हैं, कितना भी कुछ खरीद सकते हैं, उसने भी कर लिया। ओ भाई साहब ओके साइकिक,
भाई कर दे, हरा दे, कम से कम इसको हरा दे। पता नहीं लास्ट पोकेमॉन इसका कौन निकलेगा, एंड कहीं एब्सोल निकला, मतलब मैं गेस कर रहा हूँ शायद से एब्सोल निकल सकता है या फिर कोई और, देखते हैं। अल्टारिया, ओ भाई साहब अल्टारिया, चलो ठीक है अल्टारिया के लिए हम लोग चेंज नहीं करेंगे। आई थिंक स्टील टाइप मूव्स उस पर, भाई मेगा इवॉल्व, उसमें कुछ मेगा एवोल्यूशन वाला लिखा हुआ था। हम लोग आयरन हिट करते हैं ऑफकोर्स, भाई मेगा इवॉल्व, ओ माई गॉश यार मेगा इवॉल्व भाई, इसके एक ओ भाई मेरा एक मूव ने उसको इतना डैमेज कैसे दे दिया, उसको तो उम्मीद भी नहीं थी। ओ भाई क्योंकि वो एक मेगा इवॉल्व पोकेमॉन था भाई, लोहा शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया यार, मेरा दिल जीत लिया तुमने, मतलब अब यकीन हो रहा है कि स्टार्टर हमने बढ़िया वाला लिया है। ओके भैया चलो ठीक है, देखते हैं हमको क्या मिला, कुछ मेगा रिंग। जैसा कि हमारे बीच बात हुआ था तुमने मुझे हराया, ये लो मेगा सर्व। ओ भाई हमको मिला मेगा कफ, मेगा कफ, अब पता नहीं इससे क्या होगा भाई, कहीं हमको कोई मेगा वॉल मतलब मेगा स्टोन अगर शायद से हमको मिल गया तो हम इस मेगा कफ की मदद से हम बैटल में मेगा इवॉल्व कर सकते हैं। ओके चलो ठीक है, इसका कहना यही है कि तुम जब तुम्हारे पास मेगा एवोल्यूशन स्टोन आ जाएगा कोई भी स्पेसिफिक वाला तो तुम स्टार्ट के बटन पर क्लिक करके तुम सीधा मेगा इवॉल्व कर सकते हो, एंड इतना का ट्रांसलेशन मुझको नहीं करना भाई, चलो ठीक है। ओके वन लास्ट थिंग, ओ मेगा पोकी, ओ मेगा स्टोन ऑफ अल्टारिया हमको मिल रहा है, चलो ठीक है भैया। वैसे तो आज मैंने बहुत खेल लिया भाई, पहले यहाँ से जैगरेट का सेल ले लिया जाए, एंड फिर यार उतना दूर जाना पड़ेगा, सेट मैन वैसे ऊपर हम जाएंगे कैसे, हम तो कूद गए थे, कोई और रास्ता होना चाहिए शायद, ये क्या है, ओह वो ऑफकोर्स यार यहाँ पे दरवाज़ा था, मतलब क्या ही दिमाग है मेरा, सोचो कितना दूर का मैं सोच लेता हूँ। वेल यार आज के लिए काफ़ी है, एंड पता नहीं बहुत खेल लिया हमने, मुझको तो लगता है बहुत खेल लिया हमने, ओ भाई मुझको बाहर नहीं आना चाहिए था यार, चलो कोई बात नहीं और थोड़ा खेल लेते हैं आज, मैं तुमसे थोड़ा बात करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे इतने मोटे मोटे कन्वर्सेशन के बाद ये बोले सीधा पिछले टाउन में तुम चल जाना। ओके हमको मिला टीएम फ्लाई, चलो अच्छा है भाई। ओके भैया चलो ठीक है, लेकिन इसने बोला कि हमारे पास कोई फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन होना चाहिए, अब मेरे पास भाई एक ही फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है, डेट इज क्यूटी, ओ भाई क्यूटी कर सकती है फ्लाई, चलो ठीक है। तुमने अभी तुमने देखा कि क्या हुआ हमारे साथ, हमारे हालात ऐसे हो गए कि हमको क्यूटी को अब टीम में रखना ही पड़ेगा, तो चलो ठीक है क्यूटी को हम रखेंगे, एंड इसको हम शायद से कोई स्टोन के मदद से इवॉल्व कर सकते हैं, तो वो स्टोन कहाँ मिलेगा हमको तुम लोग कमेंट में बता सकते हो चाहो तो, अदरवाइज मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।